भारत भा आदि का रत्न भा यानी ज्ञान प्रकाश, रत्न यानी रममान, जो निरंतर ज्ञान प्रकाश फैलाता है वो भारत। अ कंट्री कंटिन्यूसली परसिविंग लाइट ऑफ नॉलेज। शुरू कहां से करूं समझ नहीं आता, मेरे भारत की महानता की इन शब्दों में बयां करूं यही समझना। वैसे तो कहने के लिए विश्व का एक हिस्सा है, लेकिन खुद में एक विश्व है मेरा भारत। भारतीय संस्कृति जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। अरे जिस देश की धरती को भी मां के गर्भ पुकारा जाता है, उस संस्कृति की मानता के बारे में और क्या कहना। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सारा विश्व एक परिवार। इस संकल्पना से हमने ही पहले दुनिया को अवगत कराया था। और जिस संस्कृति की महानता बताने के लिए स्वामी विवेकानंद को शिकागो सर्वधर्म परिषद में सिर्फ कुछ मिनट का समय दिया गया था, लेकिन सिस्टर्स ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ये लव सुनते ही दो मिनट तक तो सिर्फ तालियों की कड़कड़ाहट सुनाई दी थी। ये हमारी भारतीय संस्कृति। बताओ इस संस्कृति और सभ्यता दुनिया में और कहा जिससे बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में एक नहीं दो नहीं बल्कि 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सिर्फ मानववाद के दृष्टिकोण से रिहा कर दिया। हम चाहते तो कश्मीर प्रश्न के लिए पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर सकते, लेकिन गद्दारी करना तो हमारी फितरत में नहीं है। ये हमारी संस्कृति। दुनिया ने दोनों तरह की विचारधाराओं का हिस्सा देखा। जहां हिंसा ताकत के बल पर दुनिया पे राज करने निकले हिटलर और सिकंदर को देखा, वही सत्य और अहिंसा के मार्ग से हृदय परिवर्तन में विश्वास रखने वाले बापू जी मत महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध को भी देखा। हम तो सदा शांति और अमन में विश्वास रखते हैं। तभी तो न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का स्वीकार किया है। हम तो कहते हैं शांति बनो यूरोपियन यूनियन को नहीं बल्कि भारत को मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी जाति धर्म के अलग अलग विचारधाराओं के भाषा और वेशभूषाओं के लोग सदियों से एक साथ रहते हैं और तरक्की कर रहे हैं। विश्व में भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ ठहरी, क्योंकि समय के साथ बदलना हमेशा इसका स्वभाव बदल रहा है। कभी एक बार भी वही कहा है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दोने जमा हमारा। और जिस दिन हमारा ये बंधन चक्र रुक गया हम जाति धर्म में बढ़ गए और वर्गियों के गुलाम बन गए। आजादी के 70 साल बाद भी हम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहे, इसलिए राष्ट्र निर्माण पर हमें ध्यान देना होगा। आज हमें नेशन पर संकल्पना को बड़ा करना होगा। लेकिन जब दादी और असहिष्णुता जैसी बातें सुनते हैं तो बड़ा खेद होता है। एक तरफ देवी के मंदिर बनाते हम, नदियों को राष्ट्र भूमि को मां के कर पुकारते हैं, और वही दूसरी तरफ मेरी माँ बहनों को मंदिर मस्जिदों में जाने से रोकते हैं। अरे रोकने वाले आखिर आप खुद एक और है। अरे आपने भी तो किसी माँ की कोख से ही जन्म लिया होगा, तो बताओ आप शुद्ध और मां शुद्ध कैसे, जरा समझिए। Thank you.